बुरहानपुर जिले में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की है। अध्यक्ष यूनुस पटेल ने कहा कि समूचे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के साथ में अभद्रता की जा रही है, जिसके चलते बुरहानपुर के अधिवक्ता गण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से यह मांग चली आ रही है कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा अधिनियम लागू कर उनकी और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। इसके बावजूद शासन प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से मिलकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य शासन को अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए आज ज्ञापन दे रहा है। मध्य प्रदेश में अधिवक्ता पर हो रहे हमले और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर आज हमारे द्वारा अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों ने मिलकर आज ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारा शासन से निवेदन यही रहेगा कि जल्दी से जल्द प्रोटेक्शन लागू करें और अधिवक्ताओं को सुरक्षा की भावना उनमें पैदा हो और ऐसा प्रोटेक्शन लागू करें, यही हमारा निवेदन है। सारे अधिवक्तागण मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने हेतु ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय के उपस्थित हुए। हमारी अनेकों वर्षों से यह मांग रही है कि अधिवक्ताओं के प्रति हो रहे अत्याचार के प्रति कोई न कोई ठोस कदम उठाया जाकर कोई कानून बनाया जाए, परंतु अनेकों वर्षों के प्रयास के बावजूद भी आज तक के कोई किसी भी शासन द्वारा कोई एक्ट नहीं बनाया गया है। इसके अधिवक्ताओं में आज रोष है और बड़े रोष के साथ में हमारे द्वारा जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी ये ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, ताकि कई राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक लागू हो चुका है।